ऑल राइट गाइस, तो आज की जो ट्रिक है उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ इस तरह की पेपर की शीट की। आप कोई भी पेपर की शीट यूज़ कर सकते हो, आप इसे छोटी भी यूज़ कर सकते हो, आप इससे बड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ प्लायर्स की, प्लायर और एक गिलास पानी, बस इतना ही। तो ट्रिक काफ़ी सिंपल है। हम सिंपली क्या करेंगे, कोई भी पेपर की शीट हो, कोई भी पेपर का पीस हो, हम उस शीट को 7 से ज़्यादा बार फोल्ड नहीं कर सकते। यानी कि कोई भी शीट को हम जब हम फोल्ड करते हैं कुछ इस तरह से, तो हम 7 से ज़्यादा बार हम उसको फोल्ड नहीं कर पाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से, ये हो गया हमारा एक फोल्ड, ये हो गए 2 फोल्ड, ये तीसरी बार, ये हम चौथी बार हमने इस पेपर को फोल्ड कर दिया है, ये फिफ्थ टाइम, और ये हम इसको फोल्ड कर रहे हैं 6th बारी, यानी 6th टाइम हम इस पेपर को फोल्ड कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये 6th टाइम में कितनी मुश्किल से फोल्ड हो रहा है। तो 7th टाइम तो मतलब बहुत दूर की बात है। ये देखिए, ये 6th टाइम हो गया फोल्ड। अब इसको हम 7th टाइम कैसे फोल्ड करें, ये देखिए, ये देखिए। आप इसको 7 से 7 बारी आप इसको फोल्ड नहीं कर पा रहे हैं। अब ये 6 से ज़्यादा आगे नहीं जा रहा है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या होगा अगर हम इसी पेपर की शीट को कुछ इस तरह से, इसके ऊपर हम पानी डाल दें और इसको गीला करके हम इसको फोल्ड करें, तो क्या ये हम इस शीट को 7 से ज़्यादा बार या फिर 7 टाइम ही हम इसको 7 टाइम्स हम इसको फोल्ड कर पाएंगे या फिर नहीं। तो चलिए पता लगाते हैं। ये मैं इसके ऊपर पानी डाल रहा हूँ, तो ये शीट जो है हम इसको गीला कर देते हैं अच्छी तरह से। ये जो शीट थी, अब आप देख सकते हो मैंने अच्छे से इसको गीला कर दिया हुआ है और अच्छी तरह से हमने इसको गीला कर दिया है। चलिए थोड़ा और पानी डाल देते हैं। अब ये गीली हो चुकी है। चलिए अब इसको, इस शीट को हम फोल्ड करके देखते हैं और पता लगाते हैं कि क्या ये हम इसको 7 टाइम से ज़्यादा फोल्ड कर पाते हैं या फिर नहीं। तो ये रहा पहला फोल्ड हमारा, ये पहली बार, ये सेकंड, ये थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और अब इसको हम 7th टाइम फोल्ड करके देखते हैं। ये मैंने इसको 6 बारी फोल्ड कर दिया हुआ है, लेकिन अभी भी मुझे यही लगता है कि हम इसको फोल्ड नहीं कर पाएंगे। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ये देखिए, ये 7th टाइम मैंने इसको फोल्ड कर दिया, लेकिन ये थोड़ा अजीब लग रहा है फोल्ड होने में, इतना अच्छे से फोल्ड नहीं हुआ। चलिए इसको हम फोल्ड करते हैं थोड़ा और ज़ोर लगाकर इन प्लायर्स की मदद से। देखिए पहले हम इसको अच्छे से, 6th टाइम हमने इसको ऐसे फोल्ड किया था, ये 6 बार हो गया। अब हम इसको 7 बार फोल्ड करके देखते हैं, 7th टाइम कुछ
कुछ इस तरह से हम इसको दबा दे रहे हैं, और इसको यहाँ से हम प्लायर्स की मदद से दबाकर हम इसको फोल्ड कर पाएंगे। तो आप देख सकते हो हमने इस पेपर को 7 बार फोल्ड कर दिया है। हालांकि हमने इसको 7 से ज़्यादा बार फोल्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हमने 7 बार फोल्ड कर दिया, जबकि हमने जब बिना पानी के जब हमने पेपर को फोल्ड किया था तब वो सिर्फ 6 बार ही फोल्ड हो पाया था, 6 से ज़्यादा बार फोल्ड नहीं हुआ था। लेकिन जब हमने इसको गीला किया तब ये 7 बार फोल्ड हो गया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।